अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हाय फ्रेंड्स, आप तमाम का मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन योर होम में स्वागत है। 15-20 दिन पहले मैंने आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में किस तरह से स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं इसका इन्फॉर्मेशन और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे, और मैंने प्रैक्टिकली भी आपको बताया था कि एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन यानी मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप 2020 के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो 2 अक्टूबर से मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन में बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स का ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, जिसके अंदर सिर्फ 9th to 2nd year PUC के लड़कियां, ओनली गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं। 9th, 10th, 1st year PU और 2nd year PU, ये 4 क्लासेस के लड़कियां इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो उससे पहले आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में कुछ अहम मालूमात यहाँ पर दे रहा हूँ। तो ये स्कॉलरशिप के चंद रूल्स और रेगुलेशन इस तरह से हैं कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ लड़कियों के लिए है, ओनली फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स वो आर स्टडिंग इन 9th, 10th, 1st PU और 2nd year PUC। ये 4 क्लासेस के लड़कियों को यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल रही है। हर साल की तरह इस साल भी ऑनलाइन शुरू हो चुका है 2 अक्टूबर से, और इसका आखिरी डेट यानी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 31st October 2020 है। आप यहां पर देख रहे हैं इसके गाइडलाइंस। और यहां पर एक बात गौर करना चाहिए आप लोग कि 9th और 10th के बच्चों को 5000 तक स्कॉलरशिप मिल सकती है, और 1st year और 2nd year के बच्चों को 6000 तक यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल सकती है, ओनली गर्ल्स, लड़कियों को। तो उसके लिए चंद यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो क्या क्या मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कम से कम लास्ट ईयर का जो परसेंटेज है, लास्ट क्लास का परसेंटेज 50% होना ज़रूरी है, अबव 50%। अगर 49.9% भी रहा तो ये एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा। तो आप इसके लिए www.meef.nic.in में जाकर तमाम गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइडलाइंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन इज 31st October 2020। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या हैं? तो फ्रेंड्स, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ये हैं कि स्टूडेंट्स का पासबुक फर्स्ट पेज, इनकम सर्टिफिकेट इन इंग्लिश, हाँ, और जिन लोगों का इंग्लिश में इनकम सर्टिफिकेट नहीं है वो कुछ फिकर ना करें, उनके लिए भी ऑप्शन है। ऑनलाइन में सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ फैमिली इनकम बोल के एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म डाउनलोड करें, प्रिंट निकालें और उस फॉर्म को अपने पेरेंट्स के साथ फिलअप करा कर उनका सिग्नेचर करें। अगर रीजनल लैंग्वेज में आपका सर्टिफिकेट है, यानी अब मैं कर्नाटका से हूँ तो यहाँ का रीजनल लैंग्वेज कर्नाटका है, महाराष्ट्र वाले हैं तो वहाँ का रीजनल लैंग्वेज मराठी है, अगर उनकी रीजनल लैंग्वेज में इनकम सर्टिफिकेट है तो यू हैव टू अटैच द सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ फैमिली इनकम इन इंग्लिश, वो फॉर्म आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। ये एक रूल्स, एक इनकम होगा, बाद में बैंक पासबुक होगा, तीसरा जो है आधार कार्ड, स्टूडेंट का आधार कार्ड, एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और जो है पिछले साल का मार्क्स कार्ड, इतना आपको जमा करना है डॉक्यूमेंट्स। और एक मरतबा मैं डॉक्यूमेंट्स रिपीट करता हूँ, बैंक पासबुक, इनकम सर्टिफिकेट आइदर इन रीजनल लैंग्वेज और इन इंग्लिश लैंग्वेज, प्रीवियस ईयर मार्क्स कार्ड, आधार कार्ड एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो मैं इसका जो ऑनलाइन सबमिशन प्रोसेस है मेरे अगले वीडियो में आपको बताता हूँ कि किस तरह से ऑनलाइन में सबमिशन करना है। तो यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप ऑलरेडी ऑनलाइन में आ चुका है, 2 तारीख से शुरू हो चुका है और 31 तारीख यानी 31st अक्टूबर को आखिरी डेट है। तो आप तमाम जल्द अज जल्द ऑनलाइन में अपना एप्लीकेशन सबमिट करें,
और ये एप्लीकेशन सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है जो 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पीयूसी में एजुकेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गाइडलाइन जो आपको मिल रही है आप तमाम फॉलो करें। अगर आपको कुछ मज़ीद जानकारी की ज़रूरत है तो आप मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन वेबसाइट में जाकर वहाँ पर गाइडलाइंस हैं और बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप में भी गाइडलाइंस हैं, तो वहाँ पर जाकर आप पूरा गाइडलाइन दे सकते हैं। और अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ मालूम नहीं हो रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर रहेगा, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो मेरे अगले वीडियो का आप इंतज़ार करिए, उसमें मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ कि किस तरह से ऑनलाइन में स्कॉलरशिप सबमिट करते हैं। तो जो बच्चे जो लड़कियाँ 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पीसी में तालीम पा रही हैं उनके लिए मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के मातहत बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप ऑनलाइन में आ चुका है। तो जल्द अज जल्द आप अप्लाई करें। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।